जय हिंद साथियों। दोस्तों, क्या आपको पता है कि सीटेट में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है? तो यहाँ पर साथियों हम जानेंगे कि साथियों 2025 में सीटेट में कौन कौन से बदलाव होने वाले हैं। तो आपके लिए साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि यह लास्ट चांस है जब आपका सीटेट जुलाई 2024 आ चुका है और आपका परीक्षा जो है वो साथियों कब है, 7 जुलाई को निर्धारित कर दिया गया है और फॉर्म भराए जा रहे हैं। तो इसके बाद जो है जब 2025 में सीटेट होगा तो यहाँ पर सभी पुराने नियम बदल जाएंगे और न्यू रूल यानी कि 2020 यानी कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार यहाँ पर बहुत बड़े बदलाव की बात चल रही है और यह होगा भी 100% तय हो चुका है। ठीक है, तो पहले हम जानेंगे साथियों यहाँ पर अब की बार परीक्षा जो होने वाली है जुलाई 2024 में 7 तारीख को। यहाँ पर साथियों आपको आखिरी मौका है अगर साथियों आप ऑफलाइन पेपर देकर पास होना चाहते हैं सीटेट। ठीक है, तो बात हम कर लेते हैं यहाँ पर पहले इसकी और इसके बाद न्यू रूल को आपको बताने वाला हूँ। तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से 1 मिनट जरूर देखिएगा। देखिए साथियों सीटेट का जो जुलाई वाला अपडेट आया है यहाँ पर आपका 7 तारीख को आपका एग्जाम होने वाला है और लास्ट टाइम ये आपका ऑफलाइन होने जा रहा है। ठीक है, इसके बाद आपका हमेशा के लिए ऑनलाइन पेपर होने वाला है। ठीक है, तो अभी तक आपका सीटेट में 2 पेपर होते हैं, जिसमें एक प्राइमरी लेवल का होता है जिसको पेपर 1 भी कहा जाता है और पेपर 2 जिसको हम जूनियर लेवल भी कहते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी लेवल को आप जो है कौन कौन भर सकता है, BTC भर सकता है जिसको DLED भी कहा जाता है। ठीक है, DLED, और इसके बाद BLED भी भर सकता है जो आपका 4 वर्षीय कोर्स है इंटर बाद। ठीक है, और लेकिन जो जूनियर वाला है उसको आपका BTC यानी कि DLED तो भरेगा ही और BLED भी भरेगा, साथ में आपका BED अभ्यर्थी भी यहां पर भर सकता है जूनियर लेवल को। ठीक है, तो लास्ट मौका है अगर आप ऑफलाइन पेपर देकर पास होना चाहते हैं तो पास हो लीजिए, अन्यथा इसके बाद जो है हमेशा के लिए पेपर ऑनलाइन करा दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो न्यू रूल होने वाला है आपका 2025 का, उसमें साथियों NTA पेपर कराएगा, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है पेपर अब कराने वाला है और ये जब भी पेपर कराएगा हमेशा ऑनलाइन ही कराता है। ठीक है, तो यहाँ पर नए रूल के हिसाब से अब आपका जो है पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 होगा अथवा पेपर 4 भी होगा। ठीक है, यहाँ पर पेपर 3 भी और पेपर 3 तो पक्का होगा लेकिन पेपर 4 की बात चल रही है। ठीक है, यहाँ पर अब हो सकता है आपको 4-4 पेपर करने पड़े। ठीक है, पेपर 1 कौन देगा, पेपर 1 देगा आपका BTC जो आपका DLED जिसको कहते हैं। ठीक है, BLED जो 4 वर्षीय कोर्स है। ठीक है, साथ में आपका पेपर 2 देगा, ये दोनों तो देंगे ही, साथ में यहाँ पर BED अभ्यर्थी भी देगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका जो पेपर 3 है वो आपका साथियों TGT के लिए, किसके लिए, TGT के लिए यानी कि 9-10 के लिए आपका होगा और पेपर 4 हो सकता है 11-12 के लिए हो, कितने के लिए, 11 और 12 के लिए कर। ठीक है, यानी कि PGT की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आप बिहार में देखते हैं कि बिहार यस्टेट कराया जाता है, TGT के लिए आपका बिहार यस्टेट पेपर 1 कराया जाता है। ठीक है, 1, और PGT के लिए यस्टेट पेपर 2 कराया जाता है। ठीक है, तो उसी तर्ज पर आपका यहाँ पर जो है अब सीटेट भी होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू किसके, NEP यानी कि 2020 जो आपका आया हुआ है कौन, नई शिक्षा नीति, उसके अनुसार। तो लेवल आप पिछली बार की तुलना में जितने भी पेपर, जैसे अगर आप 13 से देखेंगे, ठीक है, 13 से देखिए उठाकर पेपर को सीटेट का, तो धीरे धीरे लेवल बढ़ता गया। ठीक है, तो अब जो है लेवल आपका जो पिछली बार का पेपर हुआ है जनवरी में आपका 24 में, उसका आप लेवल देखेंगे तो काफी हाई लेवल, अच्छा लेवल था पिछली बार की तुलना में। ठीक है, तो यहाँ पर लेवल हमेशा बढ़ता ही जा रहा है, इसके बाद ऑनलाइन एग्जाम भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आखिरी मौका है, आप पेपर जो है ऑफलाइन मोड में देकर पास कर सकते हैं, थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है आपको। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं आपके। ठीक है, तो 100% आप जो है पास कर लीजिए पेपर को, लास्ट चांस है, क्योंकि इसके बाद आपका BPSC TRE 4.0 भी अगस्त में है, तो अगर आप पास कर ले जाएंगे तो आपको अच्छा मौका मिलेगा बैठने का। इसके बाद आपका DSSSB भी आएगा, KBS भी आ सकता है, और UP में सुपरटेट बहुत दिनों से नहीं आया है तो हो सकता है 2025 में 100% सुपरटेट भी UP का देखने को मिले। ठीक है, तो इसके बाद सबसे बड़ी बात होती है साथियों फेल होने के रीजन। देखिए यहाँ पर जो सीटेट एग्जाम है वहां पर साथियों आपके 75% तो शिक्षण विधि आती है और 75% आपका लगभग थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, तो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या होती है यहाँ पर शिक्षण विधि में। लेकिन बच्चे क्या होते हैं साथियों, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या बच्चों को 2 होती है, एक तो आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, कोई कितना भी पढ़ने में तेज हो, ठीक है, 2 से 5% बच्चों को छोड़कर सभी साथियों क्या करते हैं कि टाइम नहीं दे पाते हैं, जैसे 150 क्वेश्चन के लिए आपको 150 मिनट मिलते हैं, लेकिन साथियों ये एक समय कम पड़ जाते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत लंबे लंबे आते हैं, तो यहाँ पर आप लास्ट के साथियों 20 क्वेश्चन लगभग नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है, दे ही नहीं पाते हैं, तो यहाँ पर समस्या होती है टाइम मैनेजमेंट की। और बहुत सारे बच्चे ऐसा समझते हैं कि सीटेट तो हलवा है,
है, ठीक है, इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं बिना पढ़े। तो यहाँ पर दो समस्याएं होती हैं जिससे आप पेपर नहीं निकाल पाते हैं। तो इसके लिए साथियों आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, जितने पेपर हुए हैं 2013 से लेकर आपके जो है 2024 तक आप जितने पेपर हुए सभी को पढ़ डालिए अगर आप निकालना चाहते हैं सीटेट, अथवा आप लास्ट के 3 से 4 साल के पेपर पढ़ लीजिए। साथ में आपको एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी है सीटेट के लिए, इन्हीं सब को पढ़कर आप सीटेट परीक्षा पास कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लास्ट मौका है, इसके बाद आपके सारे नियम बदल जाएंगे साथियों, यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो ये नियम नया जो आने वाला है 25 के लिए मैंने आपको बता दिया, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। तो सीटेट की तैयारी के लिए, बेहतरीन जानकारी के लिए, न्यू अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगामी एग्जाम के लिए जुड़े रहिए। तो अगली वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।